बड़ी खबर, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ओम माथुर और जयराम ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है और पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें मिनी बस सड़क पर मौजूद एक ऑटो से टकराती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई बच्चे गुजरते दिखाई दिए, तभी एक मिनी बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। मिनी बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर ऑटो सड़क पर जा रही मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल फिसलती हुई सड़क किनारे जा रहे बच्चों से जा टकराई। ऐसा होते ही बच्चे सड़क पर गिर गए। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज अपना